Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now we will study the semi-technical description of a typical flowering plants. क्या है वो semi-technical description? उसके vegetative character क्या है? Floral characteristics क्या है उनकी? Floral diagram and floral formula. Vegetative characters में हम देखेंगे roots, stems and leaves. And floral characters में inflorescence क्या है? And flowers के parts क्या-क्या है? You can see here, नीचे जो floral diagram दी है, ये शो करता है एक्सिस को, जिसे मदर एक्सिस भी बोलते हैं। ये ग्रीन पार्ट है सेपल्स, इसके अंदर है पेटल्स, एंड्रोशियम पार्ट एंड गाइनोशियम पार्ट। अगर पेटल्स फ्यूज्ड नहीं है, फ्री है, मान लो यहाँ कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 पेटल्स हैं और ये फ्री हैं, तो हम इन्हें P4 लिखेंगे। अगर ये फ्यूज्ड होते तो पी हम इसे सी से डिनोट करते हैं। अगर ये फ्यूज्ड होते तो हम 4 ब्रैकेट्स में लिखते। देन सेपल्स हैं, सेपल्स भी फ्यूज्ड नहीं है, तो हम सेपल्स को क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4। 4 सेपल्स हैं तो हम उन्हें सेपल्स को के से डिनोट करते हैं, K4 लिखेंगे। अगर फ्यूज्ड हो तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। एंड्रोशियम भी अगर फ्यूज्ड हो तो उन्हें ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, वरना हम ऐसे ही फ्री फॉर्म में लिखेंगे। सेम इज द केस विद गाइनोशियम। गाइनोशियम में एक और चीज होती है दैट सुपीरियर है ओवरी या इंफीरियर। अगर ओवरी सुपीरियर हुई तो जी को अंडरलाइन करके लिखेंगे। हम देखेंगे कि जो फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, मीन्स अगर उसे कट करेंगे तो वो इक्वल हाफ्स में कट होगा, किसी भी अगर एक्सिस से कट करेंगे तो। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ये सिंबल यूज होता है। एंड जाइगोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, अगर आप किसी प्लांट को या फ्लावर को कट करोगे तो वो सिर्फ एक एक्सिस में कट करने पर दो इक्वल हाफ्स में कटेगा, सिर्फ एक ही एक्सिस से वो कट होकर 2 इक्वल हाफ्स में कटेगा, तो उसके लिए ये साइन है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फेबेशिया फैमिली को। फेबेशिया फैमिली क्या है, जिसे पहले पेपिलियोनेडिया फैमिली भी कहा जाता था। ये है सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेस। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स तीनों इसमें होते हैं, और उनकी जो रूट्स होते हैं वो रूट नोड्यूल्स में कन्वर्ट होती है, मीन्स उनकी रूट्स में रूट नोड्यूल्स होते हैं। स्टेम इज इरेक्ट और क्लाइंबर टाइप की होती है। लीव्स अल्टरनेट होती हैं। अल्टरनेट क्या होता है, लीव्स अल्टरनेट पोजीशन में होंगी। पिनेटली कंपाउंड या फिर सिंपल लीव्स होती हैं। लीव बेस बल्बिनेट, स्टिपुलेट एंड रेटिकुलेट विनेशन होती है। हम इसके फ्लोरल फीचर्स को देखें तो रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस होती है। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है, एक्रोपिटल सक्सेशन होती है। फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक एंड बाइसेक्सुअल। जाइगोमॉर्फिक को हम डिनोट करते हैं परसेंट से एंड बाइसेक्सुअल को इस साइन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट कैलेक्स इज 5 फ्यूज्ड सेपल्स। कितने सेपल्स हैं, 5 हैं एंड फ्यूज्ड है। एस्टिवेशन इज इम्ब्रिकेट एंड वॉल्विट टाइप। कोरोला है 5 पेटल्स और फ्री है, तो कोरोला 5 फ्री पेटल्स विद वेक्सिलरी एस्टिवेशन। एंड्रोशियम कंटेन्स 10 एंथर्स दैट आर डायडल्फस विद डाइथीकस एंथर। तो डायडल्फस विद डाइथीकस एंथर 10 है, तो ए सबस्क्रिप्ट में 9 ब्रैकेट में प्लस 1। गाइनोशियम मोनोकार्पली है, कार्पलरी है, 1 है एंड सुपीरियर ओवरी है। दिस मींस सुपीरियर ओवरी विद 1 कार्पल। इट इज यूनिलोक्युलर विद मार्जिनल प्लेसेंटेशन। फ्रूट्स क्या होते हैं इन केस में, लेग्यूम पोड्स होते हैं विद नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। वी कैन सी परसेंटेज जाइगोमॉर्फिक, bisexual, 5 fused sepals, corolla are 5, कौन सी एस्टिवेशन हमने देखी थी इसमें,
वेक्सिलरी एस्टिवेशन। वेक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, टू लेटरल होती है इसके अंदर एंड टू फ्यूज्ड होती हैं। सो ये है टू, ये टू फ्यूज्ड एंड वन, इसीलिए इसे बोलते हैं वन प्लस टू इन ब्रैकेट लास्ट में। दिस इज एंड्रोशियम एंड सुपीरियर मोनोकार्पलरी ओवरी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कहाँ कहाँ यूज होता है या कहाँ कहाँ होता है। यूज एज अ सोर्स ऑफ पल्सेस, ग्राम अरहर सेम मूंग और सोयाबीन इसके एग्जाम्पल हैं। यूज्ड एज एडिबल ऑयल, सोयाबीन ग्राउंडनट इसके एग्जाम्पल हैं। फाइबर्स की तरह यूज होते हैं सन हेम्प, डाई होता है यूज इंडिगोफेरा, फॉडर सेस्पेनिया एंड ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल्स की तरह भी यूज होता है या ऑर्नामेंट्स की तरह भी यूज होता है ल्यूपिन, स्वीट पी। मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है मिलेठी की। सो ये थी फैमिली फेबेशिया।